एबीपीएस न्यूज गांव की जरूरतों व आवश्यकताओं को एबीपीएस न्यूज टीम के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की मुहिम के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद गाजियाबाद के ब्लॉक मुरादनगर में स्थित कीमावती गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। लगभग 4,900 की आबादी व 2,800 वोटरों द्वारा अनिल कुमार त्यागी को अपना प्रधान चुनकर गांव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 98 राशन कार्ड धारक लाभार्थी हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो जूनियर प्राइमरी पाठशाला में लगभग 185 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 60 हैंडपंप भी लगे हुए हैं। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गाँव में 150 विद्युत पोल, 15 विद्युत ट्रांसफार्मर, 150 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 25 सीसी टाइल्स रोड, फड़ंजे, पुलिया, पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 210 इज्जत घरों का निर्माण भी कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, फड़ंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत घर, शमशान घाट की बाउंड्री, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। गांव का नाम खरजीवन की और कार्य योजना के बारे में, यह तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, थाना मुरादनगर, नया पंचायत रावली, स्वास्थ्य केंद्र मुरादनगर, 22 हेडपम्प रिपेयरिंग कराए 2 साल के अंदर और 30 की मांग है और 150 लाइटें, ये कौन सी हैं आदेश, एलईडी लगवाएंगे, ठीक है, और इंटरलॉकिंग का काम 55 लाख का करीब गांव के अंदर कराया है 2 साल में और गांव में स्कूल में 5 शौचालय बनाए हैं। गांव स्कूल के अंदर इंटरलॉकिंग लगवाई है, एक स्कूल में 4 दीवारी का कार्य चला गया है और इसमें भी 3 शौचालय बनाए गए और जैसे जैसे पैसा आता रहेगा वैसी कार्य योजना के हिसाब से काम गांव में सभी गरीब लोगों के कराए जाएंगे। लगभग 250 लोगों की पेंशन बनवाने का लक्ष्य मांग है।